विश्व अलग समुदाय, अलग समष्टि, अलग दर्शन से अपने जीवन जीने की प्रणाली को सृष्टि के प्रारंभ से ही अपना रखा है। उसी प्रणाली अंतर्गत आधुनिक नववर्ष जो पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने जिसकी मान्यता दी है, उस पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जनवरी प्रथम दिन को जो नव वर्ष के रूप में माना जाता है, वो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार हो, चाहे हमारे ऋषियों की परंपरा के अनुसार नव वर्ष जो चैत्र में मनाया जाता है, कोई भी परंपरा हो, सभी नव वर्ष का यह एकमात्र संदेश होता है। जैसे नव वर्ष आता है और पूरे समाज में, राष्ट्र में, परिवार में यह संदेश देता है कि हमारे में किसी प्रकार का कोई दुर्गुण हो, कोई कदाचार हो, किसी प्रकार के दुर्व्यसन हो, उनको हम यह संकल्प लेते हैं नव वर्ष के पावन अवसर पर कि इसको हम त्याग करें और हमारे जीवन में नई संदेश, नई प्रेरणा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए सौहार्द की, सद्भावना की, सहिष्णुता की भावना हो, ताकि हर प्राणी, हर मनुष्य, हर जीव का जिसमें मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के नौ वर्ष केवल एक मनाने के रूप में नहीं है, ये नहीं कि हम नौ वर्ष मनाते हैं और उस अवसर पर अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, कदाचार करते हैं और हम कहते हैं कि नौ वर्ष मना रहे हैं। नौ वर्ष का मतलब कि हम आगे आने वाले समय में हमारे द्वारा कभी भी कोई ऐसा कुत्सित कर्म, कुत्सित आचरण, कुत्सित व्यवहार, कुत्सित संगत, कुत्सित खान पान नहीं होगा, ऐसा विचार करते हुए जब तक हमारा श्वास रहेगा, प्राण रहेगा, हम अपने जीवन में कभी भी अपने आप किसी के अहित की भावना नहीं करेंगे, कभी भी असहिष्णुता की भावना नहीं करेंगे, कभी भी समाज, राष्ट्र के प्रति अहित की भावना नहीं करेंगे, ऐसा विचार को अपने जीवन में स्थापित करना और गलत विचारधारा, गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत स्वभाव को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना, ये नौ वर्ष का संदेश है। चाहे वह पश्चिमी सभ्यता का नौ वर्ष हो या हमारे वैदिक परंपरा का नौ वर्ष हो, नौ वर्ष ये हमें अच्छे कर्म करने का संदेश देता है, बुरे कर्म को उपराम विराम देने का संदेश देता है और पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे देश, हर परिवार अपने आप खुशहाल हो, आनंद हो, शांति हो, प्रेम से रहे, सहानुभूति से रहे, यह नौ वर्ष का प्रधान मुख्य रूप में संदेश होता है। ऐसे नौ वर्ष को जानते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है, सही माने में उसने नौ वर्ष के तात्पर्य और अर्थों को समझा और जिसने नौ वर्ष के रूप में किसी प्रकार के गलत कर्म करने में प्रवृत्त होने के लिए जो अपने आप में उतारू होता है, वो सही माने में नौ वर्ष के तात्पर्य को नहीं समझा। अतः चाहे पश्चिमी सभ्यता का नौ वर्ष मनाया जाए या वैदिक परंपरा की नौ वर्ष मनाया जाए, नौ वर्ष हमारे जीवन के गलत कर्मों का त्याग और अच्छे कर्मों की स्थापना का संदेश देता है, यही नौ वर्ष का संदेश है। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।